हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ एनमेट 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। सो एनमेट 2023 नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी आउट ऑन देयर वेबसाइट। सो दिस इज द वेबसाइट एनमेट। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो एनमेट के इस पेज पे आओगे, mb.com। ठीक है, एनमेट का ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो अबाउट सेक्शन में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम स्ट्रक्चर पहले मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, ये जो क्विक लिंक्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट में एग्जाम स्ट्रक्चर की बता दूँ तो एग्जाम स्ट्रक्चर यहाँ पे तीन सेक्शन आती है आपकी, लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, और लाइक यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 36 36 36, तो 108 टोटल क्वेश्चन होते हैं। 28 मिनट्स आपको लॉजिकल लैंग्वेज इंग्लिश से मिलती है, वर्ड्स में 52 और लॉजिक एलर्न में आपको 40 मिनट्स। ओके, स्कोर रेंज जो सबका मैंने बता दिया 12 से 120, मैंने इस पे ऑलरेडी एनमेट पे बना दिया है स्कोर के वर्ड पे, तो वहां जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकर देख सकते। ओके, और यहाँ पे जो सेक्शन टॉपिक्स होती है यहाँ पे दी हुई है, नॉर्मल है, लाइक हर एक एग्जाम जैसे एमबीए का होता है। इंग्लिश में लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा फॉर्मिंग, ये सब रहता है, एरर करेक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज, ये सब। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स, लॉजिकल क्रिटिकल, सबसे ज्यादा एनालिटिकल पजल्स, ये सब बहुत, रिडक्शन। ठीक है, तो ये सब है। क्वांटिटेटिव में आपको ज्योमेट्री नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आपको काम नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, एनमेट में ये है, आपको एक बर्डन कम हो जाता है क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ज्योमेट्री सेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, जो भी लोग ज्योमेट्री कर रहे हो तो अगर एनमेट अगर कर रहे हो, ज्योमेट्री मत ही करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप लोग ये सब पे करो, लाइक डेटा इंटीग्रेशन, ये सब हो गया, ग्राफ्स, डेटा सफिशियंसी, ये सब पे। ठीक है, एंड देन योर स्कोर जो है इसमें आपको 48 आवर्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, लाइक एक दिन में भी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लाइक और तुरंत आपकी रिजल्ट स्कोर आ जाती है, तो आप लोग एग्जाम देकर एक दिन के अंदर देख सकते हो अपने एग्जाम का रिजल्ट। ठीक है, तो लाइक अगर मैं बात करूँ एग्जाम कब है, क्विक लिंक पे क्लिक करोगे इम्पोर्टेंट डेट्स, तो यहाँ पे एग्जाम देखो मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रही है वो 1 अगस्त, कल से स्टार्ट हो गई है, और जो एंड होगी ट्यूजडे 10 अगस्त, 10 अक्टूबर से एंड हो जाएगी। तो स्केड्यूल कर सकते हो लाइक ट्यूजडे 1 अगस्त से, स्केड्यूलिंग जो है यहाँ पे 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर तक, और रीस्केड्यूल कर सकते हो लाइक। ठीक है, सबकी डेट दी हुई है 16 दिसंबर तक। ठीक है, 1 अगस्त और जो एग्जाम डिलीवरी होने वाली है, ये में जो मेन डेट है 10 अक्टूबर से लेकर 19 दिसंबर, लास्ट ईयर जैसे सेम ही है। ठीक है, 10 अक्टूबर से आप यहाँ पे, एक आपको इसमें एडवांटेज मिलती है कि यहाँ पे आप खुद से एग्जाम की डेट चूज कर सकते हो, आपको किस विंडो में एग्जाम देनी है, किस स्लॉट में देनी है, किस डेट को देनी है। ठीक है, यहाँ पे ये फायदा होता है। अगर आपको रीटेक देना है रजिस्ट्रेशन में, तो आप 11 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक यहाँ पे आप लोग रीटेक दे सकते हो। ओके, या स्केड्यूलिंग, रीस्केड्यूलिंग करना है रीटेक 11 अक्टूबर से 16 दिसंबर। ओके, और यहाँ पे जो आपको टेस्ट के जो रजिस्ट्रेशन है वो 2800 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस यहाँ पे लगती है, लाइक अप्रॉक्स 3000 के करीब। और यहाँ पे अगर आप रीटेक देना चाहते हो, लाइक एनमेट 3 बार दे सकते हो। ठीक है, और एनएमआईएमएस आपको फर्स्ट ही अटेम्प्ट एक्सेप्ट करेगा, मैं पहले बता देता हूँ। सेकेंड और थर्ड एनएमआईएमएस नहीं कर रहा एक्सेप्ट, और 2800 इसका रीटेक फिर से अगर आप एक दोगे, फिर अगर देना चाहते हो 3 बार, 2800 3 बार आपको लगेगा। ठीक है, अगर रीशेड्यूल कर रहे हो तो 1200। ठीक है, और जितने पेमेंट के यहाँ पे दी हुई है, सारी डिटेल्स दी है, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डेबिट कार्ड, सब सारे ही लेता है। ठीक है, तो ये था आपको टोटल इन्फॉर्मेशन एनमेट के बारे में। इसमें मैं जल्द एक और वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से बी स्कूल एक्सेप्ट करता है एनमेट का स्कोर कार्ड, तो वो इम्पोर्टेंट, बहुत ही वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, जो लोग एनमेट टारगेट कर रहे हो। ठीक है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है फॉर्म भरने, इस सब में फॉर्म फिलअप करने, आप मुझे डिस्क्रिप्शन, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, और भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी जानना है तो। मैंने जितने भी इन्फॉर्मेशन थे एनमेट से रिलेटेड मैंने सारे बता दिए, एंड चलो फिर मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।